अरे सर मसाब, कैसी बात कर दी आपने। बिल्कुल भी नहीं, आप बेफिक्र हो जाइए। आदाब सरमत को टालना नामुमकिन होता जा रहा है। इतनी मुश्किल से हमने दिलावेज को रेस्टोरेंट में मिलने को बुलाया और वो सिकंदर आटप का फिर यहां लाए तो ऐसी अक्खड़ मिजाज निकली वो लड़की, सरमत को मुंह तक ना लगाया। सरमत को चैन नहीं आ रहा और उधर सिकंदर दिलावेज को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। खानम, आपने तो शक का बीज बो दिया है, बस अब देखें कि आगे आगे क्या होता है। वैसे लग तो शरीफ रहा था। अरे काहे का शरीफ, पागल हो गई, सटिया गई है तू। बार गैर लड़कियों से इश्क लड़ा रहा है वो, और दिलावेज के मिलने मिलाने पे भी पाबंदी लगा रखी है। शरीफ, जिन लोगों को ऐसे इज्जतदार बनने का जुनून होता है ना, ऐसे ही बहरूप चढ़ा लेते। बेवकूफ, बेवकूफ है दिलावेज जो ऐसे आदमी से मोहब्बत करती है। मोहब्बत तो चीज ही ऐसी है ना खानम, बंदा हंसते हंसते सारे दुख सह लेता। हमारा ताल्लुक जिस दुनिया से है ना कहती, यहाँ मोहब्बत किसी को रास नहीं आती। ना हम किसी से मोहब्बत कर सकते हैं, ना कोई हमसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत हाथ पे हाथ धर के बैठने का वक्त नहीं है ये, कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। एक बात कहूं खान, आप खुद को बहलाना छोड़ दें। डायन, बंदा अगर हमारे पास ऐसी कोई बकवास तो तेरा भी गला दबा के मार देंगे हम। माँ जी, आपकी चाय। दफा हो जाए यहां से। सुनाई नहीं दिया, दफा हो जाए यहां से।